विश्व का सम्राट सिकंदर जब 32 साल की उम्र में मौत के बिछाने ऊपर लेटा हुआ था, जब सभी वैद्यों ने, सभी हकीमों ने, सभी लोगों ने मना कर दिया कि इसको बचाया नहीं जा सकता, ये नहीं बच सकता, 32 साल में उसने आधे से ज्यादा दुनिया जीत ली थी, दुनिया के कई राज्यों पर, कई देशों पर वो कब्जा कर चुका था, पूरा जीवन युद्ध में, लड़ाई में उसने निकाला था, और जब सब ने हाथ खड़े कर दिए कि सिकंदर नहीं बच सकता, तब वो अपनी मां के सामने गए, माता तू तो बचा ले, मैं तेरा बेटा हूं। जब बेटे के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहली सामने को आती है तो वो मां होती है। मां की आंखों में से आंसू बह रहे, लेकिन क्या प्रत्युत्तर दे। पत्नी के सामने देखा कि तू तो मेरी अर्धांगिनी है, आधा अंग जिसको कहा जाता है, तू तो बचा ले मुझे। हमने कसम खाई थी कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तू तो मुझे बचा ले, मेरा जीवन खत्म होते जा रहा है, मेरा जीवन परिपूर्ण होते जा रहा है। पत्नी की आंखों में से आंसू बह रहे, कोई जवाब उसके पास नहीं है। दो बेटे खड़े हुए, दो बेटों के सामने अपनी झोली फैला देता है विश्व का सम्राट सिकंदर, आंखों में से आंसू लिए अपने बेटों को कह रहा है, तुम तो मेरे लिए कुछ करो, तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत करी, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, किसके लिए किया? आदमी संसार में अपने बेटों के लिए सोचकर जाता है कि मैं कुछ करके जाऊं, ये सोचते सोचते मैं पूरा जीवन लड़ता रहा, किसके लिए? तुम्हारे दोनों के लिए। दोनों बेटे भी रो रहे हैं, किसी के पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है, सभी की आंखों में से आंसू बह रहे, करे तो करे क्या? दुनिया के अच्छे से अच्छे हकीमों को बुला लिया, अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुला लिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को बुला लिया, सभी ने हाथ खड़े कर दिए, इसका कुछ नहीं हो सकता। विश्व का सम्राट सिकंदर 32 साल की उम्र, और तब जाके जीवन के अंतिम थोड़े समय पहले सिकंदर को यह ज्ञान हुआ कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, धर्म बचा। और तब उसने उसके सैनिकों को कहा कि आप एक काम करो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप चर्च में जाओ, कोई पादरी को बुला करके लेकर के आओ। सैनिक भागते भागते चर्च में गए, पादरी को बुला करके लेकर आए। जीवन में किसी ने, जीवन में उसने कभी मंदिर के सामने ना देखा था, ना मस्जिद के सामने देखा था, ना कभी वो चर्च के अंदर गया था, ना कभी परमात्मा को याद किया था, ना कभी वो जीवन में मानता था कि धर्म जैसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जीवन के अंतिम समय पे उसको ये ज्ञात हुआ कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता बचता है, और उसका नाम है धर्म का रास्ता। जब सभी हाथ छोड़ देते हैं तो एक ही रास्ता बच जाता है, और तब वो पादरी आता है और सिकंदर ये कहता है कि मुझे कुछ धर्म सुना दो, जीवन में मैं धर्म नहीं कर पाया। और धर्म सुनने के बाद, धर्म का मर्म समझने के बाद सिकंदर ने कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले, जब मुझे यहां से निकाला जाए, तो समझ लेना मेरे दोनों हाथ खुले रखना, उसको बंद मत करना, बांध मत देना, मेरे दोनों हाथ खुले रखना, और एक हाथ के ऊपर सफेद रंग लगाना, एक हाथ के ऊपर काला रंग लगाना। किसी ने पूछा कि इसका क्या मतलब, ये क्यों? तब सिकंदर ने कहा था, दुनिया को जवाब दिया था कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, आपके पास चाहे कितनी धन दौलत, आपके पास चाहे कितना कुछ हो, लेकिन जब यहां से जाते हो तो सफेद रंग यानी पुण्य, अच्छे कर्म, और यहां से जाते हो तब काला रंग यानी पाप ही, बुरे कर्म ही आपके साथ चलेंगे और कुछ नहीं। कहा कि दूसरी चीज एक ये कराना कि जितने भी सैनिक मेरे हैं, सभी को खुले हथियार के साथ जनाजे में चलाना। मंत्री ने पूछा कि राजन ये क्यों, इतने सारे सैनिक, हजारों लाखों सैनिक है अपने, आपके जनाजे में क्यों चलेंगे, और वह भी खुले हथियार के साथ?
कहा कि मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे विश्व का सम्राट सिकंदर हो, लेकिन मौत का यमदूत जब लेने आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और कहा कि मेरे पास जितनी धन संपत्ति, जितनी दौलत, उसने अपने घर में एक ऐसा शोकेस बनाया था, एक रूम बनाया था जहां दुनिया की अलभ्य से अलभ्य चीजें थी। कहा कि सभी चीजों को निकाल के साथ में लेकर के आना, क्योंकि मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूं कि आपके पास कितनी धन दौलत हो आपको कोई नहीं बचा सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का सम्राट भी जब सिकंदर यहां से गया तो खाली हाथ गया था, उसके पास कुछ नहीं था। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जीवन में कितना ही भाग लो, कितना ही दौड़ लो, लेकिन रिलैक्स में जो आनंद है, रिलैक्स में जो मजा है, शांतिपूर्ण जीवन जीने में जो आनंद है, वो भागने में नहीं है। सिकंदर भागता रहा, दुनिया के हजारों लाखों लोग भागते रहे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, रास्ता तो हमारा घर से श्मशान तक का ही है, लंबे कहीं नहीं जाना है। इसलिए जीवन के निर्णय सोच समझ कर। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।